सबसे पहले नमस्कार, मैं वसीम हूँ, आप जानते होंगे मैं ग्रेजुएट से कर के आपके यहाँ आया करता हूँ। तो सर आज हम लोग ना आज पूरा आपका जो फिश फार्मिंग है मछली के ऊपर में जी, तो आज हम लोग एक संपूर्ण तरीके से लाइक रिटर्न से डैक्ट हम लोग डेप्थ में बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपके बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और आप कितने दिनों से इस पालन में हैं, तो फिश फार्मिंग आप कर रहे हो? मेरा नाम राजीव कुमार राय, मीना राय, ग्राम दुमरिया, डीलर गोपालगढ़, ग्राम दुमरिया थाना प्लॉट जिला गोपालगढ़ निवासी हूँ। मैं 5 एकड़ का तालाब कारोबार कर रहा हूँ, मछली पालन। 5 एकड़ का आपका पूरा एरिया? पूरा एरिया 5 एकड़ का। 5 एकड़? 5 एकड़। ये 5 एकड़ में IMC कितना रहते हैं और फंगेसिस कितना रहता है? 2 एकड़ में IMC, 2 एकड़ में IMC में जो कार पूरा मिला के सिल्वर कार्ड, 3 एकड़ में 5 प्रकार बच्चों का, 3 एकड़ में 5। अब ये बताइए जो ओवरऑल जो पेंगेसिस का आपने पालन किया है वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसे चीज़ों को आपने मैनेज किया है, कैसे उनको फीडिंग कराया है, अगर उसको डिजीज़ आ गया तो कैसे आपने उसको मेंटेन किया है? उसको मेंटेन के लिए अपना कुछ टेक्निकल नॉलेज है, उस नॉलेज से अपना प्रक्रिया कर रहे हैं, कुछ सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, हर माह को 15 दिन पर मछली का FPR दाना का निकाल रहे हैं। 15 दिन में आप सैम्पलिंग कर रहे हैं? हाँ, 15 दिन पर। तो सैनिटाइजर के हैं तो कौन सा ऐसा कंपनी का नाम दिमाग में आता है कि कौन सा सैनिटाइजर हमको यूज़ कर रहे हैं? पहले तो मान लीजिए हम किस ग्रुप का ड्रेसिंग रखते हैं, उसका रिजल्ट भी सही चल रहा है, साइड इफेक्ट कोई कलाम में नहीं है। हर उसका मैंने 15 से 20 रोज पर एकड़ में 500 ग्राम आप डाल देते हैं? डाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो डिजीज के ऊपर है। तो अगर आप फिर अगर उसको आप फीडिंग कराते हैं सपोज, तो फिर फीडिंग का क्या क्राइटेरिया है, कैसे फीडिंग कराते हैं? 1 क्विंटल बच्चे के लिए 6% होना, 6% बॉडी वेट, बॉडी वेट के हिसाब से 6% दे रहा है। छोटा बच्चा है उसके लिए 8% दे रहा है, जो 200 लाइन का बच्चा है उसको 8% दे रहे हैं। फिर ग्रेजुएशन से कैसे उसको कम लेकर आते हैं?